में एक पिस्टल था, एक पिस्टल में इतनी गोलियां नहीं होती कि 13 से 14 गोलियां वो फायर कर दे और किसी को लग जाए और कुछ छू के निकल जाए। कि ये बंदा जमीन पे खड़ा है और कंटेनर जो होता है वो आपको पता है वो हाई होता है, तो ये हाँ किस तरह से कंटेन, अगर ये इस तरह भी मार रहा है गोली तो ये सीने पे लगेगी प्रोबेबली, बाजू पे लग जाएगी, अगर वो बैठते भी हैं वो उधर लग जाएगी, तो आगे कंटेनर होता है। पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, हाई अलर्ट जारी हो चुका है और ये सिर्फ, और ये कोई बाहर से तो बहुत कम लोगों की इंटरफेरेंस होगी, ये अपने ही करेंगे, अपने ही अपनों के साथ करेंगे। और जिस तरह 71 वाला एक सिलसिला चल गया था और बांग्लादेश बन गया था, शायद यही वो एक सिचुएशन नज़र आ रही है। इंडिया को इस बात की दाद देना पड़ेगी कि वहाँ पे इस तरह के जो मैटर हैं वो बहुत कम होते हैं। नो डाउट वहाँ क्या होते होंगे, लेकिन किसी भी नेशनल लीडर के ऊपर इस तरह से जो अटैकिंग है वो उनकी पॉलिसी नहीं रही है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होखल जवसीम, और मेरे साथ हैं महराना से। नाज़रीन, एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है और एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है पाकिस्तानी के लिए, और बल्कि इंटरनेशनली तौर पे ये चीज़ को कवर किया जा रहा है कि इमरान खान को 3 गोलियां लगी हैं और इमरान खान के ऊपर एक फायरिंग हुई है। लॉन्ग मार्च इमरान खान सब कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर PMLN की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और इस बुनियाद पे अभी जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन अभी प्रशांत सर की एक वीडियो है और इंडियन मीडिया की एक वीडियो आती है, तो हम इसको देखते हैं कि ये इस हवाले से क्या चीज़ कर रहे हैं और इस पे हम फर्दर भी जो है डेवलपमेंट जो अभी तक हो चुके हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मैं सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, चलते हैं कीजिएगा। देखते हैं। प्रशांत भवन, अब तक आपको पता लग गया होगा कि इमरान खान को गोलियां लगी है, 3 गोलियां लगी है इमरान खान को टांग में, मरते मरते बचे हैं ये। एक आदमी ने, एक्चुअली 2 आदमी थे यहाँ पर, दोनों ने पूरा प्लान कर रखा था कि इमरान खान को आज ये मार देंगे, असैसिनेट कर देंगे, मगर निशाना प्रॉपरली लगा नहीं। 3 गोलियां इमरान खान को टांग में लगी है, अभी ये इस वक्त है हॉस्पिटल में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वीडियो। मैं ये कहूंगा इमरान खान एक ब्रेव आदमी है, 70 साल का आदमी, मतलब इस तरीके से खड़ा है गोलियां लगने के बाद भी क्राउड को वेव कर रहा है, उसके बाद ऑफकोर्स इनको लिटा के सीधा ले गए हॉस्पिटल में। मगर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, मुझे कई लोग एक पुरानी वीडियो की कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि आपने इस वीडियो में प्रिडिक्शन कर दी थी कि इमरान खान की असासिनेशन की जाएगी। ये वीडियो मैंने अपलोड करी थी कब, 1-2 दिन पहले अपलोड करी थी, 5 जर्नलिस्ट क्रश टू डेथ अंडर इमरान खान कंटेनर, सिविल वॉर इन पाकिस्तान। और मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि लोगों ने टाइम स्टैम्प के साथ लिखा हुआ है कि आपने बिल्कुल एंटिसिपेट किया था, प्रेडिक्ट कर दिया था। देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इमरान खान की असैसिनेशन हो सकती है, इसको लेकर कोई आर्टिकल कोई रिपोर्ट आपको नहीं दिखी होगी, सिर्फ मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी है ये होने की, क्योंकि देखो कॉमन सेंस यही कहती है, पाकिस्तान का इतिहास रहा है जो भी आर्मी के खिलाफ ISI के खिलाफ बोलता है इवेंचुअली उसको टारगेट किया जाता है, ये एक बहुत ही बेसिक बात है। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि बहुत यू नो शॉकिंग प्रेडिक्शन यहाँ पर कर दिया, आप कॉमन सेंस के हिसाब से सोचोगे तो आपको ये बहुत ही ऑब्वियसली सामने दिखेगा। और आज के दिन मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान एक गृह युद्ध से बिल्कुल आप कह लीजिए नजदीकी से बचा है। अगर इमरान खान आज मारे जाते तो पूरे पाकिस्तान में आप देखते बड़ा वायलेंस होता, पूरा पाकिस्तान लोग जला देते, लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते, इमरान खान के फॉलोअर, पाकिस्तान आर्मी ISI के फॉलोअर, बहुत बड़े स्केल पर पाकिस्तान लिटरली एक गृह युद्ध में धकेला जाता अगर ये आदमी आज मारा जाता। और मैं यहाँ पे आपको वैसे एक वीडियो दिखाऊंगा उस आदमी की जिसने इमरान खान पर गोली चलाई थी, 2 लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वॉल्व थे, एक को मार दिया गया है, एक को धर लिया गया। तो उससे मीडिया ने बाद में पूछा कि आपने गोलियां क्यों चलाई है, तो उसने ये कहा, मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखिए। बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया? हाँ ये सर मैंने इसलिए किया कि लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान, तो मुझसे ये चीज देखी नहीं गई, तो मैंने इसको मार दिया, मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मार दूँ, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर टैक्स लगा के शोर कर, नहीं ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीन में ये चीज अच्छा नहीं हुआ, अचानक फैसले किए ये? पहले मैंने फैसला किया दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला उस दिन से मैंने ये
ना ये जो छोटी सी क्लिप है बहुत सारे सवाल खड़े करती है। ये अपने आप में आदमी या तो झूठ बोल रहा है या बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आप देखोगे सबसे पहले तो वीडियो की स्टार्टिंग में अजीब सा लगा। आदमी ने पूछा, दूसरा जो रिपोर्टर था उसने पूछा कि ये तुमने क्यों किया, क्यों गोली मारी। तो सबसे पहले कहता है अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग, सबसे पहले ग्रीटिंग सबसे आगे है, उसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। फिर आगे कहता है कि देखिए मेन इशू यहाँ पर ये था कि इस आदमी के हिसाब से इमरान खान देश को गुमराह कर रहा था, जो मेरे हिसाब से कर भी रहा है। देखो इमरान खान की प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहे हैं कि आज के समय ये सत्ता में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो ISI है ये शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए ये पाकिस्तान की आर्मी ISI को भी बहुत बड़ा बुरा कहते हैं। अब पाकिस्तान में क्या है कि बहुत बड़ी आबादी है, वो इमरान खान की ये सब हरकतें देखकर उनको गुस्सा आता है, उनको लगता है कि इस आदमी का कोई इंटेंशन नहीं है पाकिस्तान के भला करने का, पाकिस्तान को इम्प्रूव करने का, इसको बस पावर का नशा है। और वैसे भी आप देखोगे पहले भी ये इनकी एक इमेज रह चुकी है कि अय्याश टाइप के आदमी है, प्लेबॉय टाइप के आदमी है। तो कई लोग इमरान खान पर जेन्युइनली यकीन करते नहीं है कि ये आदमी सच में पाकिस्तान का भला चाहता है और इसलिए पाकिस्तान की आर्मी की आलोचना कर रहा है। कई लोग सोचते हैं कि इमरान खान ना खुद सत्ता में आने के लिए एक बार को पाकिस्तानी आर्मी का नाम खराब कर देगा, जो बहुत डेंजरस है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये अकेला इंस्टीट्यूट है जिसने पाकिस्तान को जिंदा रखा अभी तक। तो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे पता नहीं कि इस आदमी को पाकिस्तान की आर्मी ने भेजा है या फिर ये आदमी खुद ही मीडिया के जरिए इसके दिमाग में ऐसा बातें आ गई कि इमरान खान बहुत खराब है देश के लिए, इसका कुछ करना होगा। क्योंकि सेकेंड जो केस है ये भी हो सकता है, इमरान खान की आज के समय इमेज ऐसी बन गई है और पाकिस्तान के समाज में भी बंटवारा इतना हो चुका है सोच को लेकर कि कई लोग इमरान खान को बहुत ज्यादा नफरत भी करते हैं। फिर दूसरी बात आप यहाँ पर यह भी नोट करोगे कि पहले आदमी कहता है कि मैंने अचानक से फैसला किया कि इमरान खान को मारूंगा, इमरान खान की जो रैली है निकल रही थी उसी वक्त इसने सोचा कि इमरान खान को मारूंगा। फिर कुछ सेकंड बाद कहता है कि जी मैं लाहौर से सोच रहा था कि इसको मारूंगा। तो अगेन या तो ये आदमी बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है या फिर ये पाकिस्तान की आर्मी ने बड़ा ब्लंडर कर दिया, पाकिस्तान की आर्मी ISI ने सोचा होगा कि 3 गोलियां मारेंगे इमरान खान मर जाएगा, अभी के लिए ये बच गए। और मेरे हिसाब से अब इमरान खान मोस्ट प्रॉब्ली आर्मी ISI के अगेंस्ट और जरा बोलेंगे, और इसका रीजन ये है क्योंकि पाकिस्तान में एक इतिहास रहा है, इनके बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, इनको असैसिनेट किया गया है। बहुत ही फेमस केस है बेनजीर भुट्टो का। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की PM थी एक टाइम पर, वापस PM बनना चाहती थी इलेक्शन लड़के। 2007 में इनकी एक रैली जा रही थी, रास्ते में क्या होता है कि एक सुसाइड बॉम्बर आता है, एक 15 साल का सुसाइड बॉम्बर, पता नहीं कैसे ये लोग करते हैं ये सब, गॉड नोज, मगर एक 15 साल का सुसाइड बॉम्बर आता है बिलाल के नाम से, एक बड़ा ब्लास्ट होता है और बेनजीर भुट्टो ऑन द स्पॉट मारी जाती है रावलपिंडी में। और बेनजीर भुट्टो ने मरने से पहले बहुत से जर्नलिस्ट को ये कहा था, यहाँ पे आप देख पाओगे हामिद मीर का आर्टिकल है 2017 का, कि बेनजीर भुट्टो ने मरने से पहले ये कहा था कि अगर मैं मरती हूं ना तो जनरल परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान आर्मी के जनरल परवेज मुशर्रफ मेरे असैसिनेशन घोषित किए जाने चाहिए, इन्होंने ही मुझको मारा होगा। और आज भी आप देखोगे पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल है परवेज मुशर्रफ, इन पे ही शक जाता है बेनजीर भुट्टो की मौत का। मगर प्रॉब्लम ये है कि परवेज मुशर्रफ भी मर चुके हैं, तो रियलिटी कभी किसी को पता लगेगी नहीं कि यहाँ पर हुआ क्या था। मगर मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में ये लोग कवर अप कर लेते हैं, आर्मी अगर मान लो किसी बड़े नेता को मार देती है तो उसके बाद पूरा तंत्र, पूरा मीडिया, पूरे इंसिडेंट को व्हाइट वॉश कर देता है लोगों की मेमोरी से, ताकि लोगों के माइंड में दुर्भावना पैदा हो जाए आर्मी के आगे, पाकिस्तानी आर्मी खराब है, ये देश की डेमोक्रेसी को चलने नहीं देती। ये एक सेंटिमेंट अगर लोगों के माइंड में आ गया तो पाकिस्तान एज ए कंट्री बिल्कुल बिखर भी सकता है। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन उसे यही पूछ सकते हो कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इमरान खान ने ये सब करवाया हो अपनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि आज के समय इमरान खान का ना एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग मार्च चल रहा है। इन्होंने ये सोचा कि ये क्या करेंगे, पाकिस्तान के पंजाब से ये जाएंगे सीधा पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में, 380 किलोमीटर की जर्नी करेंगे। तो जो इनका लॉन्ग मार्च है ना उसमें रिस्पांस इतना खास नहीं आया, जो एक आप कह लीजिए इमरान खान की फॉलोइंग है ना उससे आप कह लीजिए थोड़ा सा कम लोगों का रिएक्शन आया है, रिस्पांस थोड़ा सा कम आया है। तो कई लोग मान रहे हैं कि जी इमरान खान ने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए कर लेता हूं, मगर पर्सनली मैं नहीं मानता इमरान खान ने करवाया होगा। 3 गोलियां लगना टांग में बहुत बड़ी बात होती है, आदमी मर सकता है, बॉडी शॉक हो जा सकती है। इमरान खान चाहे जो भी अपने बाल डाय वाय करते होंगे मगर 70 साल के आदमी है, ही इज एन एजेड ह्यूमन बीइंग, ऐसी उम्र में कोई इस टाइप के स्टंट करता नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि ये इमरान खान ने करवाया होगा पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए, ये डेफिनेटली या तो पाकिस्तान की आर्मी ने किया है
या फिर जनरली एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है पाकिस्तान की सोसाइटी में जो इमरान खान को नहीं पसंद करता। और अभी तो देखो इनका जो ये पूरा ये जो इनकी रैली है, इनका जो भी आपके लिए मार्च है, ये भी काफी लंबा चलेगा। ये 4 नवंबर तक पहुंचेगा ये इस्लामाबाद तक। तो इनकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी और देखना होगा इमरान खान खुद किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इस अटैक का। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने सिंपली ये कहा है कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। पर्सनली आप मुझसे पूछे, पाकिस्तान बहुत 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 जरा करीब है एक गृह युद्ध के। ऑलमोस्ट आपके लिए पाकिस्तान एक एज पे अभी, ठीक है। एक अगर यहाँ पर असेसिनेशन हो गई, मान लो जी इमरान खान को रात को बुखार चढ़ गया, इन्फेक्शन फैल गया टांग में, सुबह सुबह इमरान खान चल दिए, बड़े स्केल पर पाकिस्तान में उस केस में हो सकता है वायलेंस। और कहीं ना कहूंगा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको लेकर खतरा आएगा। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं इन द पास्ट के यूएस लिटरली पे करता है पाकिस्तान को ताकि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन सेफ रख सके। आई थिंक इंडिया को कहीं ना कहीं एक कंटिंजेंसी प्लान बना लेना चाहिए यूएसए के साथ, इवन चाइना के साथ। चाइना भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स किसी आतंकवादी के हाथ पहुंच जाए। कहीं ना कहीं एक कंटिंजेंसी प्लान रेडी होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में अराजकता फैल गई, सिविल वॉर फैल गई, तो उस केस में पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है इसको कैसे रातों रात उठाकर पाकिस्तान से हम एक सेफ जगह लेके जाएंगे जहां पर गलत लोग इसका यूज ना कर पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सेफ्टी ऑफ मैनकाइंड। तो अभी देखिए ये न्यूज एंड डेवलपमेंट है, अभी बहुत कुछ होगा इसमें। पाकिस्तान को लेकर मैं आपको बता रहा हूं बहुत खराब चीजें होने वाली है इस देश के साथ आने वाले कुछ महीनों में। जो भी यहां पर अपडेट्स होंगी उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस लेके आऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज। देखें प्रशांत सर के इस वीडियो से तो मैं बिल्कुल 100% जो है वो इत्तेफाक करता हूँ, एग्री हूँ। वो इस वजह से कि आने वाले वक्त में वाकई पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, हाई अलर्ट जारी हो चुका है। और ये सिर्फ और ये बाहर से तो बहुत कम लोगों की इंटरफेरेंस होगी, ये अपने ही करेंगे, अपने ही अपनों के साथ करेंगे। और जिस तरह 71 वाला एक सिलसिला चल गया था और बांग्लादेश बन गया था, शायद यही वो एक सिचुएशन नज़र आ रही है। बट मैं यू नोटिस कि आपने कहीं पर PMLN का नाम नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज उनके जब बयान आते हैं उसमें हमेशा इनको टारगेट किया जाता है। और अरशद शरीफ के कत्ल से पहले भी एक मरियम औरंगजेब ने कहा था कि अरशद तुम अगली तुम्हारी बारी है। अब देखो मैं ना एक चीज़ कहता हूँ, देखो दो चार चीज़ें मैं ना आपको सारी आवाम को, आपने तफसीलन इस वीडियो को देखना है अगर आप इस सारे मामले को समझना चाहते हैं। सबसे पहले तो खतीजा एक चीज़ ये देखी जाएगी कि ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं था। पाकिस्तान में ना सिर्फ इमरान खान जख्मी हुए हैं बल्कि इमरान खान के साथ 10 लोग और जख्मी हुए हैं। और ये जो इंसान था जिसको ये पकड़ लिया गया है, इसके हाथ में एक पिस्टल था। एक पिस्टल में इतनी गोलियां नहीं होती कि 13 से 14 गोलियां वो फायर कर दे और किसी को लग जाए और कुछ छू के निकल जाए और कुछ वाकई जो एक्चुअल में 3 लग जाए और कुछ को ज़ख्मी कर दे। तो एक पिस्टल में तो इतनी गोलियां होती नहीं। और जब फायरिंग की वीडियो सामने आती है तो उसमें एक पूरा ब्रेस्ट चलता है। ब्रेस्ट का मतलब यह है कि आप एक पूरी एक स्प्रे होती है बुलेट्स की एक बंदे के ऊपर, तो वो भी आप देख लें। तो ये और दूसरा ये कि ये बंदा जमीन पे खड़ा है और कंटेनर जो होता है वो आपको पता है वो हाई होता है। तो ये किस तरह से कंटेन, अगर ये इस तरह भी मार रहा है गोली तो ये सीने पे लगेगी प्रॉबेबली, बाजू पे लग जाएगी, अगर वो बैठते भी है वो उधर लग जाएगी, तो आगे कंटेनर होता है। लेकिन ये बिल्कुल किसी ने ऊंची इमारत से छत से फायर किया है ताकि वो पाँव में लग सके, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये अगर इंसान ये कह रहा है कि भाई मैंने सोचा कि मैंने मार देना है, तो फिर ये किस तरह से हो सकता है कि अगर इसने जब गोली इसने चलाई, दूसरे दो ने भी तभी गोली चलाई, दूसरे 3 लोग थे तो दूसरे दो ने भी उसी वक्त गोली चलाई, ये किस तरह से हो सकता है? और तीसरी चीज़ ये एक और सामने आती है कि ये बंदा जो है इसका बयान इस तरह से लीक हो जाना सोशल मीडिया के ऊपर, और जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट में PMLN की गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ लोगों की, वो किस तरह से सारा बयानिया ही उन्होंने उस पर बना लिया। देखें भाई वो तो कह रहा है कि मैं इसने मार दिया इमरान खान, ये बंदा जिसकी आपने अभी वो शॉर्ट एक वीडियो देखी थी, वो किस तरह से कह जब भी उसने फायर किया, और जब उसने अभी फायर किया तो पीछे एक लड़का था उसने फौरन से उसको पकड़ लिया और उससे पिस्टल गिर गया, तो उसने ज्यादा से ज्यादा 1-2 फायर किया था। लेकिन 1-2 फायर उसके करने के साथ ही जो दूसरे दो थे उन्होंने भी फायर करने शुरू कर दिया, और किस तरह से ये 13-14 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए, तो ये और एक बंदा जो है वो मर भी गया, तो किस वजह से हुआ? तो इसका मतलब यह है कि प्लानिंग थी, एक प्लान था ये सिलसिला। एक चीज ये
दूसरी चीज़ ये रहेगी कि इमरान खान साहब को पहले भी 3-4 दिनों से थ्रेट वसूल हो रहे थे, सिक्योरिटी थ्रेट। तो इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं 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 मैं अब निकल आया हूँ तो निकल आऊँ। इस चीज़ से ये तो वादे हो जाता कि उन्हें जान की परवाह नहीं है। वो कहते थे कि मुझे मेरी जान की परवाह नहीं, मैं इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं मुल्क को लेकर आगे चलूँगा। सो यहाँ पे एक और चीज़ जो सामने आती है कि इमरान खान साहब ने पहले ही ये बयान दे दिया था कि मेरे इसमें उन्हें शक था 3 बंदों पे, और अभी उन्होंने एक बयान भी दिया है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, और इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट में से एक बंदे को, उन्होंने कहा कि इन तीनों के ऊपर FIR की जाए, और ये तीनों जो हैं मेरे इस जो वाकया सामने हुआ उसमें शामिल थे। ये चीज़ें हो गई। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जिस तरह से एक सिचुएशन बन चुकी हुई है और इससे क्या वाकई बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, और इमरान खान साहब के ज़्यादा सपोर्टर जो हैं वो यूथ है, और यूथ को आपको पता है कि वो एक गर्म खून होता है और वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और वो फिर उन्होंने बहुत कुछ ऐसे ऐसे अल्फाज ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स भी बोले कि जो हम स्क्रीन पे नहीं चला सकते हैं। वो पाकिस्तान की आर्मी के मुतल्लिक हो, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक हो, या पाकिस्तान की, क्योंकि उससे पाकिस्तान की इमेज को। लेकिन ये 1971 वाले सिलसिला नज़र आ रहा है कि जब मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा अनारकी, इतना ज़्यादा इंतशार फैल चुका है, तो ये सब तो हो गई चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा सा अगर इसको कंपैरिजन लेके जाते हैं इंडिया की जानब, अब हम इसमें इंडिया को अगर इन्वॉल्व करते हैं, तो इंडिया के अंदर भी आप देखें कि इसी तरह दो जमातें हैं, एक जानब राहुल गांधी है, एक जानब BJP के PM मोदी हैं, नो डाउट। लेकिन वहाँ पे जो मर्जी हो जाए, इंडिया को इस बात की दाद देना पड़ेगी कि वहाँ पे इस तरह के जो मैटर हैं वो बहुत कम होते हैं। नो डाउट वहाँ क्या होते होंगे, लेकिन किसी भी नेशनल लीडर के ऊपर इस तरह से जो अटैकिंग है वो उनकी पॉलिसी नहीं रही है। वहाँ पर बहुत हार्ड पॉलिटिक्स होती है, बहुत हार्ड पॉलिटिक्स होती है, जुबान इतने हार्ड हार्ड सेंटेंसेज जो है वो एक दूसरे को पास कर देते हैं, बट ये वाली जो होती है ना सिलसिला नहीं, वो ऑन द ग्राउंड लॉजिक के साथ हराते हैं एक दूसरे को। और वही है कि BJP की गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और यही वजह है कि राहुल गांधी आज तक नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि BJP गवर्नमेंट ने आवाम के लिए बहुत कुछ किया, उनके पास हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जब तक आपकी मुल्क के सारे मामलात कोई और इंसान अगर हैंडल करेगा तो वो अपने ही जिसको बेहतर चाहेगा उसको करेगा। तो ये चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं, और बिल्कुल प्रशांत धवन साहब की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, और अच्छी क्या लगी कि इस पर अफसोस ही किया जा सकता है अपने तई कि पाकिस्तान के साथ अब बहुत कुछ जो है वो मिसहैपन्स होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क बहुत ज़्यादा और ये बिल्कुल जिस तरह से ना कि एक एज से बच गया पाकिस्तान। अगर यही गोली इमरान खान साहब को कहीं और लग जाती और इमरान खान साहब के हवाले से इससे कोई और बुरी खबर सामने आ रही होती, तो शायद इस वक्त हम भी आपके साथ बैठ के ये वीडियो करना हो रहे तो इस वक्त पाकिस्तान में कुछ और सिचुएशन हुई होती। आप इस पे कुछ अगर ऐड करना चाहें तो मैं तो ये ऐड करना चाहूँगी कि इमरान, मतलब मुझे आप उस बंदे का बयान देखो, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि सिंपल, मतलब मैं हूँ एक आम आवाम है, हमें इतनी बता सकते हैं कि लीडर पे जाके गोली चला दें? सो ये प्लानिंग है, और यही इसी तरह से अरशद शरीफ की भी जो टारगेट किलिंग है वो भी प्लान है, और आप देखो वो केस यहाँ तक दब गया। मैं आपको एक चीज बताऊँ, देखिए पाकिस्तान की जो सिटिंग गवर्नमेंट है ना, इसकी जानब से पहले भी ये पिछले कुछ अरसे में ये बयान आते रहे हैं कि हम इसको कुचल देंगे, हम इसको मार देंगे, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, तुम्हारी साजिश इनका। मैं कहता हूँ कि जब आप किसी भी स्टेक पे होते हो, आपके पास कोई ओहदा होता है, तो उस वक्त अपोजिशन में आप होंगे तो आप तो यकीनन कहेंगे आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप लुटेरे हैं। इसी तरह इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो ये कहते थे जी कि मैं चोरों को, जब आप तो फिर सीधा सीधा होता है कि आप बिल्कुल डायरेक्टली ये जो आप बात करें ये आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर है। इसी तरह इस वक्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट है PMLN की, उसने भी ये बातें करना शुरू कर दी कि हाँ भाई हम आपको कुचल देंगे, तुम्हारा न्यायाधीश खत्म हो चुका वक्त, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये जो साफी है इनका वक्त खत्म होने वाला है, ये जो कर रहे हैं। हाँ तो वही कहा ना, ये सारे सिलसिले हैं, और अगर इन सबको जोड़ते जोड़ते चले जाएं तो ये बातें जो है कि ये गुत्थी सुलझ सकती है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल ना, आप ये देखें कि अभी तक मरियम नवाज और शिवाश की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? आपको पता है जब अरशद शरीफ की तरफ से आ गया, उन्होंने ट्वीट किया था, कर दिया वही ट्वीट, जब अरशद शरीफ हुआ तब भी मरियम नवाज ने कहा था ना देख लें क्या हाल हुआ, तब भी उस पर कितनी हुई थी बात उसकी? ये तो देखें ट्वीट्स की हद तक अगर आप कर दें तो वो वही तो ना, उन्होंने अपना सारा बयानिया उस इंसान पे डाल लिया है कि जिस तरह प्रशांत सर ने भी कहा कि वो गुमराह कर रहा था, प्रशांत सर ने भी उसको, चले वो इंडियन है, आप उसकी शक्ल देख के कह दो वो बंदा नहीं कर सकता,
वो बंदा खुद अपने फैसले आप देखो, उसकी हालत देखो कि वो आगे कर सकता है, और अकेले कितनी सी पिस्टल से इतनी गोलियां कैसे निकल सकती हैं। ये चीजें हैं, प्लानिंग है। सो आप इस हवाले से क्या देखते हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आईडी मेंशन फॉर अगर सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबान हो जाए, दुआ में याद रखें, अल्लाह ने के